पर ये जो लाइन है ये प्रसादी का लाइन है। दर्शनार्थी इधर सब कोई पिक्चर लेते हुए और इधर दर्शनार्थी आते हुए गाइस दूर से। इधर कोई पंडाल देखने नहीं आता है, इधर सिर्फ और सिर्फ माँ को देखने आता है। ये मनोरम दृश्य ये माँ का। हे गाइस, वेलकम टू बॉनी नेशन एंड यू आर वाचिंग बॉनी व्लॉग। सो गाइस, आज है काली पूजा के बाद वाले दिन, तो मैं आज इधर आया हूँ। कहाँ आया हूँ? नईहाटी बड़ो काली पूजो समिति, जो कि नईहाटी में है। बड़ो माँ काली ठाकुर बोल के जो फेमस है, आप लोगों को सबको पता है। सिर्फ कोलकाता का लोग नहीं, सिर्फ ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के लोगों को पता है कि इधर बहुत बड़ा काली पूजा होता है। और आउटसाइड मतलब होल इंडिया में पता है गाइज, इधर बड़ो माँ का जो पूजा है नईहाटी में, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा गाइज़ भीड़ है, तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वीडियो करने देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज हालात बहुत ख़राब है गाइज़, बहुत ज़्यादा रश है। तो ये बीच में अभी थोड़ा खाली हुआ है, मैं आधा घंटा से मैं ये पूरा ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइज व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइज ये इस साल 100 साल में पदर्पण हुआ है, मतलब 100 ईयर सेलिब्रेशन है गाइज, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। इधर नॉर्मली एवरी ईयर भीड़ होता है। ये डे बाय डे गाइज ये पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। बड़ो काली का जो पूजा होता है, बड़ो माँ का जो पूजा होता है, जो नईहाटी में है, आप लोग किसी भी मतलब आप लोग स्टेशन में आओ, आप लोग पूछो बड़ो माँ का पूजा कहाँ होता है, इजिली आप लोगों को गाइड कर देंगे। सो गाइज आप लोग देख पा रहे हो नईहाटी जंक्शन जो स्टेशन है, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म है गाइज, एक नंबर प्लेटफॉर्म का। देखिए ये गेट आपको याद रहेगा, अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो खोल के भी देख सकते हो कि कैसे आना है। अगर आप जो जब नईहाटी स्टेशन में पहुंच जाएंगे उसके बाद वीडियो खोलना पता चल जाएगा। तो गाइज ये एक नंबर स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है गाइज, उधर से देखिए आप लोग सीधा आइए। उतरने के बाद मैं दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइज। तो देखिए गाइज स्टेशन का गेट है और आप लोग ऐसा सीधा आओगे, लेफ्ट टर्न लेके ही सीधा आ जाओगे। सो आप लोगों का गाइस ये दिखाई मिलेगा, ये एक लेफ्ट साइड में स्टेज मिलेगा और ये है मेन एंट्रेंस गाइस। आप लोग चले जाओगे, इधर लाइन बाय लाइन 7 से 8 पूजा है और 4 पूजा के बाद है बड़ो माँ का पूजा। सो गाइज मैं आ गया हूँ बड़ो माँ काली ठाकुर के सामने। तो देखिए गाइज कितना ज़्यादा भीड़ है गाइज, ये लाइन है, देखिए ये प्रसाद का लाइन है और इधर दर्शनार्थी आते हुए गाइज दूर से, आप लोग देख पा रहे हो दूर दूर से आते हुए, मतलब जहाँ भी देखो मैं कैमरा उठा कर दिखा रहा हूँ। आप लोग जस्ट देखिए गाइज कितना भीड़ है, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइज, तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो लाइन है गाइस, ये प्रसादी का लाइन, प्रसाद दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस। तो आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी, मतलब ये जो है ये नॉर्मल देखने के लिए सब कोई आ रहे हैं गाइस। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है गाइस कितना ज़्यादा लाइन है, आप लोग देख के आइडिया कर लो, बिकॉज मतलब समझ में आ रहा है तब बड़ो माँ कितना फेमस है। 3 से 4 दिन रहता है गाइस बड़ो माँ का ठाकुर ये पंडाल में। लाइन देखिए लग रहा है कोई मंदिर है, रोज़ मंदिर में भीड़ होता है, मतलब किसी भी काली पूजा में आप ऐसा भीड़ नहीं देखोगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कितना जागृत है गाइस ये ठाकुर, ये पूजा जिसके लिए लोग लाइन से आके गाइस प्रसाद लेने के लिए लुक रहे हैं और साइड लेन से भी लोग आना जाना कर रहे हैं। मतलब एक आइडिया आप लोगों को हो गया है कि लाइन से प्रसादी लेते हैं, लाइन से देखने के लिए आते हैं। देखिए लाइन जा रहा है तो जा रहा है। दर्शनार्थी इधर सब कोई पिक्चर लेते हुए।
सो गाइज आप लोग देख रहे हो, ये मैं बड़ो माँ काली मूर्ति के सामने मैं आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा रश है गाइज, बहुत ज़्यादा रश है, आप लोग देख पा रहे हो गाइज, देखिए जस्ट आप लोग पूरा रश है गाइज, आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा रश है गाइज। मुझे ये भैया ने हेल्प कर दिया है तो मुझे थैंक यू। तो मैं इधर आके मैं ये फुटेज ले पा रहा हूँ, नहीं तो मैं डेढ़ घंटा से गाइज वेट किया, उसके बाद मुझे ये जगह मिला ये दुकान के पास में, तो काफ़ी अच्छा इधर पिक्चर आ रहा है, बट मैं मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा गाइज, मैं दो घंटा देर से दो घंटा वेट किया। एनीवेज बहुत सुंदर है गाइज, आप लोग सिर्फ देखिए गाइज काम, मैं जूम कर रहा हूँ आप लोग देखिए। सो गाइज आप लोग देख पा रहे हो बड़ो माँ जो काली मूर्ति है गाइज कितना बड़ा है, ये मिनिमम हाइट गाइज थ्री मतलब तीन तल्ला है, हाँ तीन तल्ला तो हाइट होगा ही। और देखिए गाइज गहना साज कितना सुंदर से पहनाया हुआ है गाइज, माँ को मन मुग्ध हो जा रहा है गाइज। हाँ माँ आप जब देखोगे गाइज माँ काली के आंखों पे आपका गाइज मतलब चेहरा से मतलब आंखें नहीं हटेंगे गाइज, आप सिर्फ देखिए हाथों में माला मतलब देखिए आग जो आँख है गाइज आई बॉल्स उसमें देखिए गाइज पूरा गोल्डन कलर का वो जो आई बॉल्स बनाया हुआ है, जीभ में आप जो बड़ो माँ का जो जीभ है गाइज जीभ में देखिए मतलब गोल्डन कलर का जीभ में मतलब किया प्लेटिंग किया हुआ है, पर हर चीज गाइज सोने का है, सब चीज़ सोने का है। हाथ में पूरा रूपों का गाइज वो गाइज हाथ देखिए वो हाथ का पूरा हर चीज़ गाइज एकदम रूपों का है गाइज सिल्वर का है। तो पूरा गाइज ये मूर्ति मतलब नॉट ओनली इतना बड़ा है, पूरा एकदम मतलब अलंकार से भरा पड़ा है, और नॉट ओनली ये मतलब प्लास्टिक का अलंकार, ये पूरा मतलब चांदनी सोना गहना से भरा पड़ा है गाइज। मैं अब जूम आउट कर रहा हूँ आप लोग देखिए सही से। सो गाइज आप लोगों को पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा हाइट है गाइज। गाइज आप लोग देख पा रहे हो जो ठाकुर का जो पैर है गाइज दो पैर पे देखिए वो जो है आपका जो देखिए चमक रहा है जो, तो वो गाइज सोना और चांदी का है, मैक्सिमम वो सोना का है मतलब सॉरी मैक्सिमम वो चांदी का है, बट वो सोना एक दो है, बट आप अगर सोना मतलब समझ रहे हो तो आप लोग देख पा रहे हो ठाकुर के बीच में गाइज वो गले पे जो देखिए गाइज नेकलेस पहना हुआ है ठाकुर को, आप लोग जस्ट देखो अद्भुत गाइज अद्भुत। मेरा पहला बार है ये बड़ो माँ दर्शन, मन मुग्ध हो गाइज, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इधर से जाऊं, मुझे तो व्लॉग करने के बाद भी मुझे ये मतलब लग रहा है कि मैं इधर ही खड़ा रहूं सिर्फ देखते रहूं माँ को, इतना मतलब सुंदर लग रहा है गाइज। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइज, मुझे पता नहीं कितना मैं सिनेमैटिक्स ले पाऊंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं जितना से जल्द मैं सिनेमैटिक्स लूंगा, और मैं व्लॉग कर रहा हूं गाइज, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं मुझे मतलब आप लोग जस्ट भीड़ देखिए गाइज, भीड़ देखने से आपको पता चलेगा ये काकू संभालते हुए हर कोई पुलिस एंड एवरीवन, देखिए दुकान के सामने पूरा भीड़ हो चुका है गाइज, आप लोग भीड़ देखिए गाइज, आप लोग ये क्राउड देखिए गाइज, एक बार क्राउड देखिए, रुकिए सो गाइज क्राउड का तो अंदाज़ा आप लोगों को हो गया है कि कितना ज़्यादा भीड़ है, ऐसा क्राउड मैं पिछले ढाई घंटे से देख रहा हूँ। सो गाइज ये बड़ो माँ का बहुत इतिहास है, मैं इतिहास पूरा पढ़ के नहीं आया हूँ, बट मुझे इतना पता है ये बहुत सालों का पूजा है, कोई एक राजा थे उनका पूजा है, उनको इधर एक बड़ा सा पूजा करना था, तो ये नैहाटी में ये पहला बार स्टार्ट हुआ है बड़ो माँ का पूजो, बहुत सालों पहले ये पहला पूजा है, इतना बड़ा पूजा है जो कि एक राजा के थ्रू से गाइज ये पूजा मतलब हो रहा है, तो अभी भी चल रहा है, इतना दर्शनार्थी आए हैं देखने के लिए, मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकते गाइज, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना क्राउड होता है गाइज, इधर कोई पंडाल देखने नहीं आता है, इधर सिर्फ और सिर्फ माँ को देखने आता है, ये मनोरम दृश्य ये माँ का मतलब बहुत सुंदर ये दृश्य है गाइज, तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बोलो, जितना हो पा रहा हूँ मैं दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना से जल्द और थोड़ा वीडियो बड़ा करने का भी कोशिश कर रहा हूँ, तो गाइज जस्ट बोलो कैसा लग रहा है माँ को, और ये प्रतिमा ये मूर्ति ये ठाकुर आप लोग कुछ भी बोलो, बहुत सुंदर है गाइज बहुत सुंदर है, मुझे तो देख के बहुत मतलब सुंदर भी लग रही है।
सो गाइस आप लोग देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये बड़ो माँ लिखा हुआ है बंगाली में गाइस। ठाकुर के जो राइट हैंड साइड में देखिए बड़ो माँ ये लिखा हुआ है गाइस, वो भी चांदी का है गाइस। सो आप लोगों को पता चल रहा है। हाँ जो देखिए गाइस जो मुंडू है, जो सर है, जो माला का तरह वो सजा हुआ है, सब चीज़ एकदम प्योर चांदी का है गाइस। और आप लोग देख पा रहे हो चांद माला जो पीछे है येलो कलर का, देखिए जो वो सब बहुत बराबर है गाइस। मैं बहुत दूर से मैं ये फुटेज ले रहा हूँ, फिर भी इतना मुझे बड़े लग रहे हैं। अगर मैं सामने जाऊँगा तो कितना बड़ा लगेगा, सर उठा कर देखना पड़ेगा गाइस पूरा। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस, देखिए काफ़ी रश है, काफ़ी बहुत संभलते हुए गाइस। इधर का वॉलेंटियर्स लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत संभलते हुए सब किसी को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, दर्शनार्थी को भी देखने का भी मौका दे रहे हैं और सबको अच्छे से मैनेज भी कर पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो गाइस, देखो देखिए पूरा ये ग्रुप दर्शनार्थी इधर सब कोई पिक्चर लेते हुए, वीडियो लेते हुए, बिकॉज सबको एक पसंद रहता है कि हाँ मैं बड़ो माँ का वीडियो लूँगा या फिर पिक्चर लूँगा। तो जितना हो सक रहा है तो ले रहा है और वॉलेंटियर्स लोग जितना हो सक रहा है सबको मौका दे रहा है पिक्चर्स और वीडियो खींचने का। गाइज वेरी वेरी सॉरी बिकॉज ये साउंड शायद मेरा कम आ रहा है, बिकॉज बहुत इधर आवाज़ है और माइक भी चल रहा है गाइज अनाउंसमेंट। तो आप लोग देखो गाइज आप लोग देख पा रहे हो जो शिव भगवान है, शिव भगवान का जो मतलब सर पे जो मुकुट है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, रुको। सो गाइस देखिए ये मुकुट इतना बड़ा है गाइस, मतलब शिव भगवान का जो सर है गाइस वो देखिए कितना बड़ा है, उसके ऊपर जो मुकुट है गाइस आप लोगों को अंदाजा नहीं है वो कितना बड़ा है। आप लोगों को कैमरा में शायद छोटा लग रहा है, छोटा नहीं लग रहा है, मतलब जितना बड़ा मैं बोल रहा हूँ शायद उतना बड़ा नहीं लग रहा है। देखिए गाइस मैं बहुत ज्यादा जूम कर दिया हूँ, साइज देखिए जस्ट वो मुकट का। और गाइज आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, माँ का जो पैर है गाइज वो पैर पे देखिए पूरा भरती गाइज चांदी का ज्वेलरी है, मतलब पैर दिखाई नहीं जा रहा है, एंकल तक मतलब पूरा ढाका हुआ है गाइज। आप लोग देखिए पूरा कवर किया गया है गाइज। कंप्लीट कर चुका हूँ बड़ो माँ काली पूजा का जो कवरेज है, नैहाटी बड़ो माँ काली पूजा का जो कवरेज होता है। तो एनीवेज गाइस अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बहुत कष्ट करके, बहुत मतलब टाइम ले करके, 2.5 से 3 घंटा टाइम लेने के बाद मुझे मिला वीडियो करने का मौका मिला, भैया मुझे हेल्प किए थे। तो एनीवेज गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कीप सपोर्टिंग बड़ो माँ एंड डू व्हाटएवर यू वांट मैन, डू नॉट ट्रेवल और मास्क आप पिता। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बॉनी ब्लॉग साइनिंग आउट। बाय गाइस।